अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है आप अच्छे रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। तो बारिश तो इतनी आ रही है, बच्चों को सोचा था कि स्कूल नहीं भेजूँगी। गवर्नमेंट की तरफ से तो कल छुट्टी थी ही, बट आज स्कूल चालू है, बट भेजना नहीं भेजना हम पर था, क्योंकि बारिश बहुत आ रही है। हमेशा आप लोगों को मैं यही खिड़की बताती हूँ और यही खिड़की पे बारिश आ रही है। देखा, बहुत बारिश आ रही है। और हमारा जो मुन्नू है और हमारी जो छुटकी है वो बैठ, हाँ तुझे ही बता रही हूँ, हाँ छुटकी बैठ गई है चटाई पर। इसको गिल्ला जगह बिल्कुल पसंद नहीं, तो बैठ गई चढ़ के चटाई पर। और हमारा मुन्नू यहाँ खड़ा है बाबू। और हमारी जो छुटकी होता है, एक छोटा बच्चा यहाँ सोया है, बाकी तीन पता नहीं कहाँ है, शायद अंदर होंगे या फिर उनके घर में। देखो बारिश फिर से चालू हो रही है। ओह आपने कितनी बारिश आ रही है। बच्चे गए तो हैं स्कूल, अच्छे से आ जाए सब बच्चे, सबके बच्चे अच्छे से आ जाए कॉलेज स्कूल गए हैं, तो सब सही सलामत आ जाए। बारिश में वो टेंशन होता है, बाहर जाते हैं बच्चे तो अच्छे से आ जाते हैं बच्चे। और आज है रोज़ा मेरा और शाइन का, तो सबने आज के रोज़े रखे होंगे, क्योंकि आज का रोज़ा बड़ा रोज़ा है। आज के रोज़े सबने रखे होंगे, और कल भी रोज़ा है, कल का रोज़ा भी रखना इंशाल्लाह, कल भी रोज़ा रखेंगे। तो देखिए बारिश का सिलसिला ऐसे चल रहा है। तो हाँ, रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ आज मसाले वाले चने और भजिया, और मिर्ची के पकौड़े शायद बना लूँगी। ये रेसिपी जो है भजिए की, तो मैंने पहले भी दी थी, बच्चों ने ज़िद करी आज वही बनाना है, तो चलिए वही बना एक बार। और वही रेसिपी आप लोग देख लीजिए, आपके भी जो याद, मतलब आप लोगों को भी याद आ जाएगा कि हाँ भैया भजिया बनाई थी मैंने। तो अभी थोड़ा फ़िलहाल सो जाऊँगी, बहुत नींद आ रही है, बज रहे हैं 3:30, उठूँगी 5:30 बजे, क्योंकि रोज़ा खुलना तो 7 बजे के बाद ही होगा। तो मुन्नू कुछ बोल रहा है, मुन्नू क्या बोल रहा है? हाँ मुन्नू, देखो मुन्नू को बताते तो मारने आता है मुन्नू। अरे मुन्नू, हाँ देखो ये ऐसे ही करता है, इसको दूसरों पे जोश मारने से फुर्सत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सो जाती हूँ, फिर शाम को उठती हूँ अपने रूटीन टाइम पे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना अपने भजिए और चने, जो कि चने गल चुके हैं, चने मैंने गला लिए हैं और चेक कर लेते हैं, गल चुका है। और भजिए बना रही हूँ मैं, कांदा आलू और पालक ये सब मिक्स, और इसमें जाएगा हमारा चने का आटा। और बाकी ये जो रखा हुआ है ये वाला भी बनाऊँगी, ये भी पालक के जो अक्खा पालक डाल के फ्राई करते हैं ना वैसा। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मसाला मैंने पीसा नहीं है, अदरक लहसुन मिर्ची कोथमीर लगा देती हूँ, अदरक लहसुन मिर्ची कोथमीर ये सब है इसके अंदर, और इसको पीस लूँगी, फिर ये चने में भी हो जाएगा और ये मैं जो बना रही हूँ दाल उसमें भी हो जाएगा, इसकी रेसिपी दे दूँगी बाद। तो अभी स्टार्ट करती हूँ मैं ये सब बनाना। तो मैंने इसके अंदर चने का आटा डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लिया, मिक्स कर लिया है। तो मेरा तेल भी हो गया गर्म, उसमें मैंने एक भजिया डाल के देखा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ डालना, छोटा छोटा डालिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि सब मिक्स होकर साथ में आएगा। तो मैंने इसके अंदर पकोड़े डाल दिए हैं, भजिए पकोड़े जो भी बोले, तो मैंने डाल दिए हैं। और मेरे इतने बच्चे हैं तो ये हो जाए, उसके बाद मैं वो भी डाल दूँगी, चिपक जाते हैं इसके लिए थोड़ा, इसको ऐसे हिला लीजिए, गोल घूम रहे हैं। तो मेरे भजिए हो रहे हैं, जब तक मैंने सोचा साइड में चना भी चढ़ा दूँ, तो मैंने डाला है थोड़ा से तेल। इसके अंदर हमें कांदा नहीं डालना है, ना ही टमाटर डालना है, इसे डायरेक्टली ही बनाना है। तो अभी मैं डाल रही हूँ हरा मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालना है, थोड़ा सा, बाकी हमें दाल में डालना है इसको, और दाल में भी हो जाएगा अच्छे से।
तो इसमें डाल लेते हैं मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। तो मैंने इसमें मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, चिकन मसाला डाल दिया है। अब इस तरह से भून लेंगे गैस पर इसमें खास। इसमें कांदा और टमाटर मत डालिए, वो डालने से ज़रा सा मुँह में आते रहेगा, अच्छा नहीं लगता है। वो मैंने ही डालती हूँ। पर हमारा मिर्ची अभी हो रहा है, इसे कर देती हूँ टर्न। हो रहा है चना, तो मैंने इसमें डाल दिया है चना। और इसे कर लेंगे मिक्स, पानी में है अलग से, थोड़ा सा रहेगा चलेगा, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें डाल देती हूँ नमक। तो मेरे भजी हो रहे हैं, इसमें निकाल लेते हैं। चना हो रहा है और भजिया मैंने निकालने का सोचा, लेकिन थोड़ा और होना बाकी है, जो हो गए हैं वो निकाल देती हूँ मैं। मेरे भजिए देखो हो गए हैं, थोड़े से बचे हैं। तो अभी मैं पालक का बैटर तैयार कर रही हूँ। इसमें डाल देती हूँ मैं चने का आटा। इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देती हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिया है मिर्ची, नमक और हल्दी। तो मेरा बैटर रेडी हो चुका है, अब मैं ये भजिया फ्राई करती हूँ। चना हो चुका है और मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें ऐसे मिक्स करके तो देखिए मेरे पकौड़े हो चुके हैं। जो हो गए थे थोड़े, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो अब मैं ये भी निकाल लेती हूँ, ये भी हो चुके हैं, टाइम भी होने आया है। मेरा सब कुछ बनाकर हो चुका है, जैसे कि भजिया और हमने लाया और मेरे चने। तो मैंने सब कुछ बना लिया है, तो अभी हम मिलते हैं रोज़ा खुलने के बाद। बना रही हूँ अखा मसूर, हमारा रोज़ा खुल चुका है तो इसके बाद मैं बैठ गई हूँ बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ अखा मसूर और उसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे कांदा, छोटे छोटे दो तीन कांदे लिए मैंने, ज़्यादा नहीं है। और ये है शाहजीरा, जो मेरे पास गरम मसाला जो था थोड़ा बहुत, वही डाला मैंने, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। और टमाटर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। तो मैं इन लोगों को डाल देती हूँ तेल में, तेल मैंने चढ़ा दिया था। तो होने देते हैं इसे लाल अच्छे से, ये जब लाल हो जाएगा तो इसमें हम मसाला डाल देंगे। तो मैंने मसाला इधर पर रखा है, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और चिकन मसाला पाउडर। अखा मसाला भी हमें थोड़ा सा डाला, इसलिए थोड़ा पाउडर डालना भी अच्छा रहता है। तो वो डाल देंगे जब ये लाल हो जाएगा कांदा, ठीक है। तो मैंने मसाला जो है वो इसमें डाल दिया है, क्योंकि मेरा कांदा लाल हो चुका था, ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा लाल करना है। अभी अच्छे से ये भुन जाए, उसके बाद में हम डाल देंगे दाल जो हमारी गल चुकी है। गल चुकी है, मैंने हमेशा मैं इसके अंदर आलू भी डालती हूँ, बट मैंने आज आलू नहीं डाला क्योंकि हमने रोज़ा खोलने के टाइम में काफ़ी आलू खा चुके थे। तो अब इसमें क्या आलू डालना, तो अभी मैं ये कर रही हूँ। तो मेरा मसाला हो जाएगा, तो ये मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। मेरा मसाला हो गया है भून कर, अभी मैं इसे इसमें डाल डाल शिफ्ट कर देती हूँ। ये दाल की रेसिपी एक्चुअली मैंने पहले भी दी थी, तो आज और कुछ खास नहीं बना रही थी, तो सोचा यही रेसिपी दोबारा दे दूँ। चलता है, एक बार खाए तो ज़रूर नहीं, हम दोबारा इसे नहीं खाएंगे। मेरे तो बच्चों को बहुत पसंद आती है दाल, जिस तरह से मैंने इसको बनाई है। और मेरे पास मैंने जो पालक के भजिए बनाए थे, तो थोड़ी सी पालक बच गई थी, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें थोड़ी सी कोथमीर भी है और पालक भी है, ठीक है। तो इसे थोड़ा पकने देते हैं, आलू होता तो आलू तक पकना देना पड़ता था, बट अभी इसे थोड़ी देर पकने देना पड़ेगा, थोड़ा बॉयल आने तक।
और नमक वगैरह चेक कर लेती हूँ। ठीक है, मैं चुन रही हूँ चावल, चावल चुन लेती हूँ। तो हमारा जो मुन्नू है वो आकर यहाँ पर खड़ा था, क्या पूछ रहा भाई मुन्नू भाई? मुन्नू अरे बेटा, अब मैं उसको बोल रही हूँ, ये देखो जरा, ये देखती है, आए चुटकी, अरे बाप रे, इतना बड़ा मुंह खोली इसने। और मुन्नू भाई कुकर में कुछ देख रहे, मैं कुकर में ना ये डाल दी हूँ ना अंदर कचरा, चावल की कनकी, तो उसको खाना है शायद। इधर आ मुन्नू, इधर आ जाओ, मैं चुनते रहते तो खाते भी रहते चले, हम लोग मुन्नू खाता भी है और मैं चुनती भी हूँ। हाँ मुन्नू वैसे नहीं खाता बेचारा, बहुत कम खाता है, थोड़ा थोड़ा से ऐसा एक दो दाना ले लेता है, वरना वो भी नहीं करता है, तो उसका खाना बहुत कम है बच्चे का। आजकल आँख का थोड़ा इसका प्रॉब्लम चालू है, तो उस हिसाब से बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। मैं तो पहले अच्छे से बटर खा लेता था, चाय बटर, दूध बटर, और थोड़ा सुबह मैं रोटी खा लेता था, और दोपहर में ऐसा कुछ चावल वगैरह हम लोग खाएंगे, दाल चावल, तो वो खा लेगा या चावल ही खा लेगा सिर्फ। लेकिन अभी ना वो नहीं खा रहा है कुछ भी ठीक से, पता नहीं इसको क्या हुआ। इसकी आँखों में ना ऐसे दाने आ रहे हैं, देखो दाने कितने दिख रहे हैं आँखों में, देखो वाइट वाइट ये दाने आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। डॉक्टरों से शाहीन ने मतलब मोबाइल पे बहुत सारे डॉक्टर लोग का लिंक आता है, तो उसे बात करके देखी, मैसेज करके देखी, बट कोई बता ही नहीं पा रहा। वो लोग खुद बोल रहे कि पता नहीं क्या है, हमारे पास भी मुर्गे है बट उन लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, इसको क्या हुआ है कुछ आइडिया नहीं है। मुन्नो आग बताओ बेटा, इधर को दिख रहा वाइट वाइट आग से, ये वाइट वाइट दाना वो आ गया बच्चे को। अरे हमारी, और क्यों चिल्ला रही है अकेली? इसलिए चलिए, अभी तो मेरी दाल में बॉईल आ चुका है, तो मैं चेक कर लेती हूँ। एक्चुअली दाल के नीचे जाके गाड़ी गाड़ी होकर घट देखो बैठ जाती, देखा ये ऐसे घट हो जाती ना नीचे, थोड़ा हिलाना पड़ता है। तो मैंने इसमें नमक चेक कर लिया है, अभी मेरे चावल चुनने तक ये थोड़ा हो जाएगी और फिर उतार देंगे इसे। मुन्नू देखो, मुन्नू ने चावल गिरा दिया मेरा। मुन्नू अभी चल, यही चावल तू खाएगा, चल खा ले, खा ले, खा लेगा वो, और मैं चुन लेती हूँ चावल। तो मेरी दाल हो चुकी है, देख लीजिए, गैस मैंने कर दिया है बंद और एक तरफ चढ़ा दिया मैंने राइस, तो दाल का कुछ ऐसा लुक आया है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, नॉर्मल दाल है, ना ही ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। ये कभी कभार मैं आलू नहीं डालती हूँ, नहीं तो हमेशा मैं आलू डालती हूँ, तो अभी मैंने आलू नहीं डाला क्योंकि दाल काफ़ी हो गई। तो देखा मेरी दाल भी बन चुकी है और चावल भी हो चुका है, बाकी सारे घर के काम भी हो चुके हैं, सिर्फ थोड़े से बर्तन है जो शाहीन घसरी है, फिर उसके बाद जाना है हमको 9:30 या 9:30 हमको जाना है शाम में, उसके बाद में आएंगे खाना खा के सो जाएंगे, कि सुबह उठना है सहरी के लिए। सहरी का मैं इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि बहुत मतलब हम लोग उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर सहरी का टाइम 4 बजे से स्टार्ट होता है, 4 से 5 एक घंटे का टाइम है, तो उसके बीच में मतलब चाय बनाना रहता है, थोड़ा पराठा बना लेते हैं, ऐसा सब तो टाइम नहीं मिल पाता है। इंशाल्लाह माह रमज़ान तक, इंशाल्लाह माह रमज़ान की सहरी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आज की जो मेरी रेसिपी थी, आलू कांदा और पालक, पालक के बदले में आप मेथी भी डाल सकते हैं, सोया भी डाल सकते हैं, और कांदा, कांदे की जो भाजी आती है ना लंबी वाली, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पालक मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, इसके लिए मैंने वही डाला इस बार भी। आप भी ऐसे भी ट्राई कीजिए, ये सब भी ऑप्शन है आपके पास। तो मेरा हो चुका है खाना, तो आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको? दाल की रेसिपी तो मैंने आपको पहले भी दे चुकी हूँ, तो आज एक बार और दे दी, और एक बार देख लीजिए। तो दाल की रेसिपी और बाकी जो आलू की रेसिपी, आलू भजिया की रेसिपी मतलब कैसी लगी आपको वो, और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी। और आज का शाइन बीच में आ रही है इसलिए अंधेरा हो रहा है, तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। मुन्नू खड़ा है, वो सुन रहा है बातें, और अयाज जो है अभी तक बैठा हुआ है, क्या करे, अयाज का तो बहुत लेजी पने का काम है, वो जल्दी जल्दी काम उसकी होते ही नहीं है। अयाज नहीं आ रहा है कैमरे में, अयाज चलो कोई बात नहीं, अभी वो जाएगा नमाज, फिर इस्तमा से होकर फिर घर पर आएगा, हम लोग भी जाएंगे, तो मैं भी ब्लॉग को एंड कर रही हूँ।
लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप मुझे ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।